अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला अप्रैल 1996 के कैलेंडर के हिसाब से जुल्किदा का महीना था और जुल्हिजा का महीना था। हिजरी ईयर जो थी वो 1416 थी। अप्रैल 1996 के कैलेंडर के हिसाब से जुल्किदा का महीना और जुल्हिजा का महीना था। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट मेंशन की हुई, एक जो ब्लू कलर के अंदर डेट जो है वो इंग्लिश तारीख के हिसाब से मेंशन की हुई, जैसे कि हम देख रहे हैं अप्रैल मंथ का, तो ये पूरा अप्रैल मंथ के हिसाब से डेट मेंशन की हुई, ये इंग्लिश तारीख के हिसाब से, ये उर्दू तारीख के हिसाब से डेट मेंशन की हुई है। तो ब्लैक कलर में जितनी भी डेट मेंशन की हुई है ये सब डेट जो है वो उर्दू तारीख के हिसाब से डेट मेंशन की हुई है। ये इंग्लिश तारीख है, ये उर्दू तारीख है। आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो मुझसे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो फर्स्ट तारीख को, 1 अप्रैल को जुल्किदा महीने की 12 तारीख थी, 2 अप्रैल को जुल्किदा महीने की जो है 13 तारीख थी, 3 अप्रैल को जुल्किदा महीने की जो 14 तारीख थी। तो इसके हिसाब से ये जुल्किदा का महीना जुल्हिज्जा का महीना रहेगा। तो 1 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक ये सब जो है जुल्किदा महीने की डेट मेंशन की हुई। नीचे यहाँ पे जितनी भी डेट मेंशन की हुई है ये सब जो है जुल्किदा महीने की डेट के हिसाब से मेंशन की हुई है। 1 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक 30 तारीख, और जुल्हिज्जा महीना तो स्टार्ट जो हुआ था वो 20 तारीख से स्टार्ट हो गया था। 20 तारीख से स्टार्ट हुआ था जुल्हिज्जा महीना। 20 तारीख को जो है वो सैटरडे का दिन था और उस दिन पहली तारीख थी जुल्हिज्जा महीने की। ये डेट मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब डेट जो है वो दिन के हिसाब से डेट बता रहा हूँ मैं आपको। और 20 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक जो है वो जुल्हिज्जा महीने की जो 11 तारीख थी, मतलब पहली तारीख से लेके 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, ये सब जो तारीख है ये सब जो है जुल्हिज्जा महीने की है। और बकरी ईद जो मनाई गई थी, बकरी ईद जो मनाई गई थी वो 29 अप्रैल को मनाई गई थी, मंडे का दिन था। और उस दिन इंडिया के अंदर 10 तारीख थी जुल्हिज्जा महीने की बकरी ईद मनाई गई थी 29 अप्रैल को 1996 को, मंडे का दिन था। आपको अगर कुछ डाउट है, सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। इसके अलावा आपको कुछ डाउट है, सवाल पूछना है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।